नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज है 15 नवंबर और आज हम इस वीडियो में 15 नवंबर के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, केंद्रीय संसदीय कार्य और रसायन व उर्वरक मंत्री अनंत कुमार की निधन के बाद किसे संसदीय कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, किसे सौंपा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर जी को संसदीय कार्य मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक और सीईओ का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए अशोक शर्मा, ऑप्शन बी बिन्नी बंसल, ऑप्शन सी देवेंद्र बंसल, ऑप्शन डी संजीव बंसल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिन्नी बंसल। यह दोस्तों सह संस्थापक भी थे और सीईओ ही थे, इन्होंने अभी हाल ही में कुछ कारणों से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक्स कार्यक्रम लॉन्च किया है? ठीक है, किस देश में किया है? ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंगापुर में यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय रेलवे ने देश के कितने व्यस्त रेलवे स्टेशनों पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने का निर्णय लिया है? कितने 100 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन नंबर ए 28 स्टेशन, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 60 या ऑप्शन डी 75। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 75 रेलवे स्टेशनों पर 100 फुट ऊंचा तिरंगा लगाया जाएगा, जो कि भारत की सबसे ज़्यादा व्यस्तम रेल स्टेशनें होंगी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सलाहकार फर्म KPMG की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश की कंपनियों ने भारत के स्टार्टअप में 14,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो किस कंपनी ने किया है? ऑप्शन नंबर एक जर्मनी की कंपनी, ऑप्शन बी चीन की कंपनी, ऑप्शन सी ब्राज़ील की कंपनी या ऑप्शन डी है इसराइल की कंपनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह चीन की कंपनियाँ हैं जिन्होंने 14,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ठीक है, इसके बाद चलते आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, G7 देशों में कौन सा पहला ऐसा देश है जिसके केंद्रीय बैंक की संपत्ति देश की पूरी अर्थव्यवस्था से भी अधिक हो गई है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश घूमने के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना गया है? ठीक है, कौन सा देश माना गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ग्रीनलैंड या ऑप्शन डी स्वीडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आइसलैंड माना गया है घूमने के हिसाब से सबसे सुरक्षित देश। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अशोक लीलैंड के सीईओ का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो भाई उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए करी राम अंसारी, ऑप्शन बी विनोद दसारी, ऑप्शन सी आशीष बाजवा, ऑप्शन डी रणवीर सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विनोद दसारी थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया सीईओ के पद से। ठीक है दोस्तों, अशोक लीलैंड एक जो बड़े वाहन है वह उसका निर्माणकर्ता कंपनी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में दूसरा इंडिया स्टार्टअप
इन्वेस्टमेंट सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? दूसरा इंडिया स्टार्टअप इसमें इन्वेस्टमेंट सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए बीजिंग चीन, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, ऑप्शन सी टोक्यो जापान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह आयोजित किया गया कहाँ पर? बीजिंग के अंदर किया गया, जो कि चीन देश की राजधानी है, ठीक है, बीजिंग में किया गया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 38वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कहाँ शुभारंभ किया गया? 38वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कहाँ शुभारंभ किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह दोस्तों नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया इसका, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए हेमंत गुप्ता, ऑप्शन बी राजेश तिवारी, ऑप्शन सी एस के सेठ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस के सेठ। एस के सेठ ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दोस्तों इन्होंने हेमंत गुप्ता जी का स्थान ग्रहण किया, जो कि हेमंत गुप्ता पहले मुख्य न्यायाधीश थे, तो उनके लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया, तो उनकी जगह पर एस के सेठ को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। दोस्तों इनका पूरा नाम है संजय कुमार सेठ। क्या नाम है? संजय कुमार सेठ, ठीक है। कि दोस्तों यह वीडियो अब यहीं पर होता है समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।